और क्या करया ये रोड का पेड़ा उठान रोक गया है हाईवे हाईवे ने तो कार ही टिकट पड़ी 15 किलोमीटर जून की भेड़ी भेड़ परी नवो नंबर चे पैया उठान रोक गए थी कांग्रेस नेता ही कांग्रेस मजो मार तो कांग्रेस वाले करे स्कूल 12वीं है और मार्च आवे पहुंच है मो और टाबर कनो करावे सफाई के सफाई करो बस आ शिक्षा है झाड़ू वाली शिक्षा फूल है कहीं मैं आई चाहूंगा हनुमान जी आवे आरएलपी विकास में कमी है तो विकास कहीं है जो मैं तो को कांग्रेस में देगी ना बीजेपी में देगी कमी है मेरे तो पॉकेट आवे देखो ओ हकी काम रहे हो थेट भी मेरे तो पॉकेट कट आया अच्छा मेरे तो पैकेट कहीं खराब आया मां लकड़ी पीस न घातुड़ी दोस्तों राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं खड़ा हूं बाटाड़ू तहसील मुख्यालय पर, ये मुख्य सड़क है और यहां पर एक साय की थड़ी है। यहां पे काफ़ी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के इनकी क्या राय है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन। आपका कौन सा गाँव है सर? मेरा शिव तहसील में। कहीं लागे हमके राजस्थान अंदर मोहन कौन सत्ता को सिरमोर होई सत्ता सेंज होई लागे सेंज होई अच्छा सेंज क्यों होनी चाहिए आपने क्यों लागे के सत्ता सेंज होनी चाहिए वो तो हमके डला रही होने 5 साल फेर बदल में आवे तो को मुंह ही कर के ठा पड़े हां अच्छा गेलो साहब रो कामकाज करो लाली सरकार में एने सरकार मेरे तो पॉकेट आवे देखो ओ हकी काम रहे थेट भी मेरे तो पॉकेट कट आया अच्छा मेरे तो पैकेट कहीं खराब आया मां लकड़ी पीस घातुड़ी अच्छा बिल्कुल आपका क्या नाम है सर? गोविंद है सर। अच्छा कौन सा गांव है आपका? मलवा। मलवा अच्छा आपसे भी मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि राजस्थान के अंदर हम फिर से चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार राजस्थान का आम इंसान क्या चाहता है? भाई राजस्थान आम इंसान कहीं मैं यही चाहूँगा हनुमान जी आवे आरएलपी आरएलपी। अच्छा आरएलपी क्यों आपने कहीं लागे के लारले जो विकास में कमी रहेगी या फिर कोई और वजह आरएलपी आनी चाहिए? विकास में कमी है तो विकास कहीं है जो मैं तो को कांग्रेस में देगी ना बीजेपी में देगी कमी है गांव में पड़िया हड़को टूटी पड़ी खाडा पड़िया बोले टैक्ट मोह गाल दो थे मोह माथो टैक्ट कौन दी के बे पड़िया खाडा लद्दे कोई नहीं कने कने रात रे मोह पड़ जावे आदमी तो बे कौन दी बाप रे मोर थोलो उड़ा निकले मेदा चाहो हम के आरएलपी आवे और हनुमान जी बने सीएम। अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में कैडी व्यवस्था आप रे गांव में मो शिक्षा रे क्षेत्र में? स्कूल 12वीं है और मार्च आवे पहुंच है मो और टाबर कनो करावे सफाई के सफाई करो बस आ शिक्षा है झाड़ू वाली शिक्षा फूल है झाड़ू काटो। बायतू की बात करो तो बायतू के मो बायतू विधायक हरीश चौधरी ओ कहनो है कि बायतू रे मो पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों रो जो निर्माण हो वो बायतू रे मो हो साथ ही साथ अटे बाटाड़ू रे मो ने भी लारले कुछ दिन पहला कृषि महाविद्यालय की ओपनिंग हुई और बाटाड़ू तहसील मुख्यालय बनो ये प्रकार का अनेकों काम होया आप कहीं कहना सा हरी चौधरी जी काम आते हैं हरी जी घणा ही करायो होला सा मोरेटी ने एरिया में तो सा कहीं नहीं करायो हरी जी करायो नहीं दूजो किन कोई सरपंचो करायो कोई केणी नहीं करायो। चलिए गेलो साबरी जगह ये योजनाओं निकल रही है हमें महिलाओं ने स्मार्टफोन भी मिल रहा है और महंगाई रात कैंप भी पूरे राजस्थान में चल रहे हैं इन प्रकार की अनेकों योजनाएं हैं और गहलोत सरकार आ कह रही है कि उन्होंने जो योजना है वे कल्याणकारी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी योजना है आपकी कहीं प्रतिक्रिया हो गहलोत साहब योजनाओं में प्रतिक्रिया ऐसा कि इलेक्शन पहले वोट जीत गया है जब सत्ता में आया जद स्मार्टफोन है योजनाओं जद चालू करी को नहीं हमें वोट आया 2 महीना रिया वोट डन हमें योजनाओं चालू करी है पर आई मन लगे घर घर पूगे कोई नहीं आई बीच में घपलो ओन पूरा आई है वोटों के मैं आया पहला कटी की ओडा मैंने आप बताओ 5 साल बीत गया मैं 2 महीनों में योजना चालू करी सत्ता में आते पौनी करनी नहीं क्या योजना है स्मार्टफोन है पहले ही दे सकता बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? चुतरा राम। अच्छा आप रुको कौन सा मारो को बाटाड़ू जे बाटाड़ू पंचायत सिंगोड़िया है सिंगोड़िया। अच्छा राजस्थान रे मने चुनाव आ रहा है कई लागे हमके राजस्थान रे मने कौन होई सत्ता को सिरमोर कौन होई कौन बाजी मारे सत्ता को सिरमोर तो वेला बीजेपी बीजेपी या पक्की मान के चलो। अच्छा बीजेपी क्यों है बीजेपी क्यों कांग्रेस रे काम रे काम रे मने कहीं कमी रहेगी भाई कांग्रेस लार ले भाई संसार को हुकन हूं विकलांग मेरे तो आवाज साइड काट दियो एससी का मैं विकलांग में मेरो आवास आयोडो भी काट दियो नहीं वो तो अब ग्राम पंचायत स्तर माते कट गयो वाला जरूर थोड़ी कांग्रेस के राज पंचायत ही कांग्रेस नेता ही कांग्रेस मजो मार तो कांग्रेस वाले करे। हाँ
बीजेपी मोहिने आपने कहीं लागे बीजेपी मोहिने मुख्यमंत्री री दौड़ रहे मोहिने आपस रे मोहिने गुटबाजी चल रही है एक दूसरे मत आरोप प्रत्यारोप रो दूर भी कहीं ना कहीं हरू उग्यो है कहीं लागे बोंगे तो मोदी जी के जत्तो चो बनाई मुख्यमंत्री बीजेपी के बने ला अब की बार ये राजस्थान में चली आ रही 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी आप एक बीजेपी रे सपोर्ट रहो आपरी पहली पसंद कौन है बीजेपी मोहिने जो आपने लागे मुख्यमंत्री बीजेपी को मार तो कांग्रेस ही बराबर पर हमको तो काम चाहिए अटे हम पक्षपात करन कोई मजूरी थोड़ी भी बिदार भी हल्ला दिखा दे और के करया ये रोड का पेड़ उठान रोक गया है हाईवे हाईवे ने तो कार ही टिकट पड़ी 15 किलोमीटर जून की भेड़ी भेड़ पर ही नवो नंबर चे पहिया उठान रोक गए चलिए और मारे तो पुरानी पाइप लाइन ही और बीजेपी करेड पौनीडो आ तो बोई कार्ड टेक दी 20 दिन हो गया पौनी टाल ते मरो में हम ऐसी के लोग हैं ऐसी के लोग पानी के बिना प्यास मर रहे हैं अब लैंड की खोद लगाई थी वो काम क्या आई मारे अच्छा बाटाडू शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का काम हुआ है क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे हरी चौधरी ने कृषि महाविद्यालय का ओपनिंग किया था यहाँ पे और कृषि विद्यालय किया ये भी अच्छा है चाहे हरीश जी हो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो तहसील हेडक्वार्टर किया ये भी अच्छा है क्यों सरकार चाहे कांग्रेस की और बीजेपी की और भले ही RLP की हो लेकिन तहसील तो यही बननी है जनता ने फोड़ा मिट गया लेकिन दूसरा गरीबों के साथ कोई नहीं दे रहा बस बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की बाटाडू तहसील मुख्यालय से और यहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी वो सभी लोगों की अलग अलग राय व अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी आपकी इनकी राय व प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार।